राजधानी दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक महिला अपने 3 साल के बेटे के साथ अपने पति को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाती है। पति को ट्रेन में बिठाकर वे बाहर निकलती है। इस दौरान वे सोचती है कि जब इतनी दूर आई है तो कुछ खरीदारी भी कर लेनी चाहिए। वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली सदर बाजार जाने के लिए रिक्शा करती है। रास्ते में रिक्शा चालक महिला को पीने का पानी ऑफर करता है। महिला पानी पी लेती है और बेसुध हो जाती है। रिक्शा चालक महिला और उसके 3 साल के बेटे को सुनसान जगह पर ले जाता है। यहाँ पर उसके बेटे के सामने महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करता है। महिला को जब होश आता है तब उसका वो विरोध करती है। वह उसके सिर पर वार करता है। महिला फिर बेसुध हो जाती है और मौके से आरोपी फरार हो जाता है। इस मामले में नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने 25 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में एक रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद उमर के तौर पर हुई है। पुलिस के अनुसार आगे की कार्रवाई चल रही है। पुलिस के अनुसार उसने 26 मई को PCR पर लूटपाट की सूचना मिली। जब पुलिस गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर पर पहुंची तो पाया कि एक महिला 3 साल के बच्चे के साथ घायल अवस्था में है। महिला बिहार के अररिया की रहने वाली है। पुलिस को दिए गए बयान में पीड़िता ने बताया कि वे 26 मई को अपने पति को छोड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गई थी। जब उसके पति की ट्रेन स्टेशन से छूट गई तो वे शाम 6:30 बजे स्टेशन से बाहर निकली। उसने सदर बाजार जाने के लिए रिक्शा किया। रिक्शा चालक ने उसे पानी ऑफर किया जिसे पीने के बाद वे बेहोश हो गई। इसके बाद सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता के पास से 3,000 रुपए और उसका मोबाइल फोन भी आरोपी ने छीन लिया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने IPC की धारा 376, 308, 328 और 389 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 500 से अधिक CCTV कैमरा भी खंगाले। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी LNJP अस्पताल के पास बसी झुग्गियों में रहता है। पुलिस को आरोपी के पास से रिक्शा और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इससे पहले वे ऐसी कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।